डेट है 26 और आज अगेन प्रोग्राम आउटडोर किचन फिशिंग करेंगे आज अगेन। देखते हैं कितनी मच्छियाँ आती हैं। पिछले टाइम तो 300 का ब्लीचिंग लगा और 100 रुपये की मच्छी आई और मेहनत अलग से, तो देखो टाइम अलग बर्बाद। इस बार क्या रिजल्ट आता देखते हैं। हो भाई पसीने पसीने हो गए, जहर के सारे पेड़ अभी पत्ते नहीं आए इन पे, बसंत ऋतु नहीं आए इनको यार। इस बार गड़बड़ हो गया कार्यक्रम, इस बार का कार्यक्रम ऐसा लग रहा है। और देखिए काफ़ी कलेक्ट कर दिया हमने थैली में, ये करनी है कोंपलियाँ, इसकी कोंपल करनी है इकट्ठा। अब बारिश होने लगी है और आड़ बना लिया हमने, ये देखो झांप बना दिया। हमारे पंडित जी उधर हैं, वो दूर हैं, वो चावल नहीं पकाएंगे आज, हमारे हाथ का चावल खाएंगे वो। अच्छा हम ये पकड़ी खिचड़ी, और इधर हो रही है बारिश, तगड़ी बारिश हो रही इधर ये, और इधर खिचड़ी पकेगी। और ये हमने अपना ले गया है तिरपाल, ये छत है हमारी भाई। बारिश हो रही है ये इतनी तगड़ी, और इधर बनी है अपनी खिचड़ी ये ये। और भाई लोग आनंद ले रहे हैं इधर। आप रखते हैं भैया खिचड़ी, जय हो प्रभु, ये हमारा परमेश्वरी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालो उसमें ना भाई, ना हो जाएगा भोजन भाई। हाँ नहीं खाएंगे मैं सोचती थी। अब लेते हैं खिचड़ी का आनंद भाई, एक नंबर बन गया खिचड़ी। लसन होता है इसमें थोड़ा सा, अचार खाना बारिश हो गई बहुत तेज अब, और टाइम हो रहा है 3:45, 4 बजने को आया वो। और ये आग जल रही है इधर, इधर अपना कुकर है और अपने पंडित जी हैं। आज तो तगड़ी कैंपिंग हो गई, सारे लोग बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं बारिश बंद होगी और हम घर चलेंगे, बट होने का नाम नहीं ले रही है। 4:15 हो गया टाइम और चले, आज पहली बार आए हैं पंडित जी। पंडित जी बारिश ले आए यार, मान ली देखो कैसा मौसम हो गया, फाइनली क्लोज कर दिया है। मुझे लग रहा था कि बारिश बंद नहीं होगी बट होगी। चलो चलें, आग अभी भी जल रही है और पंडित जी देखो ठंड से कैसे
हालत हुई पड़ी पंडित जी की, भाई लोग तिरपाल का जो लेके आए थे उसको फोल्ड कर रहे हैं और बैग में डालेंगे और फिर निकलेंगे भैया। एक ही है इस साइड। जैसे ही चलने लगे और बारिश दोबारा स्टार्ट होगी भैया, भाई साहब ओ माय गॉड, वो देखो भाई साहब ने पोंचू डाल दिया पोंचू। ये देखो ये, अरे भाई साहब ऐसे ही चल रहे हैं।